नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसाल वास्तु कंसल्टेंट आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा आज का विषय है रेस्टोरेंट बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे रेस्टोरेंट जगह जगह ओपन किए जाते हैं और आजकल फास्ट फूड का रेस्टोरेंट का ज़माना है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट अपना खोला जाए जिस व्यक्ति के पास अपना स्पेस है उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होती और जो व्यक्ति किराए पर सेटअप करना चाहता है उसको लाखों रुपए तो उसके इंटीरियर पर लगाने पड़ते हैं आदमी की उम्मीद तो बहुत ज़्यादा होती है कि उसका रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चलेगा एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच और दूसरी से तीसरी ब्रांच खोलने की उम्मीद करते हैं यदि सेटअप वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं होता तो उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट मिलते हैं उसका अपना एक रेस्टोरेंट भी चलने में तकलीफ होती है आज मैं जिस रेस्टोरेंट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वो है नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी उसके बैक साइड में यानी साउथ साइड में सर्विस लेना है फ्रंट का जो रास्ता है वो नॉर्थ का है यानी उत्तर दिशा का है और बैक साइड में सर्विस लेने लगती है तो आपका अपना रेस्टोरेंट ऐसे ही है और आपने अपने यहाँ किचन स्टोर और वॉशिंग एरिया यदि वेस्ट की दीवार के साथ बनाया हुआ है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं तकलीफ बनी रहेगी ऐसे ही यदि आपने ईस्ट में पूर्व की दीवार के साथ किचन स्टोर और वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है तो भी आपके यहाँ परेशानी बनी रहेगी आप परेशान रहेंगे यदि आपका रेस्टोरेंट इस प्रकार से बना हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा सुनिएगा समझिएगा और विचार कीजिएगा आप अपने रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो भी आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप अपना नया रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं तो भी आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा सुनिएगा और समझिएगा सबसे पहले तो जो आपका अपना रेस्टोरेंट है वो नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर है हमेशा ही आपकी जगह रोड लेवल से ऊंची होनी चाहिए इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जिस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा यानी एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट के भाग में है वो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा परेशान मिलेगा जिस रेस्टोरेंट की एंट्रेंस नॉर्थ सेंटर के पार्ट में है सेंटर के भाग में है वो व्यक्ति खुशहाल मिलेगा और जिस रेस्टोरेंट की एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट के भाग में से है वो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खुशहाल मिलेगा उसकी एक नहीं कई ब्रांच जरूर मिलेगी क्या होने से एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट के भाग में होने से आप अपने यहाँ पर नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक अपनी सुविधा के अनुसार गेट बना सकते हैं मैं आपको कहना चाहूँगा कि नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर यहां से आपकी अपनी एंट्रेंस होनी चाहिए इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा आपके पास स्पेस ज्यादा है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो आपने गेट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बनाया उसको नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में यहां पर भी आप अपना मेन गेट बना सकते हैं आने का रास्ता बना सकते हैं अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने यहाँ पर किचन कहाँ बनानी है स्टोर कहाँ बनाना है वॉशिंग एरिया कहाँ बनाना और टॉयलेट कहाँ बनानी है वो आपने बैक साइड में साउथ साइड में बनानी है क्योंकि आपके यहाँ साउथ के भाग में सर्विस लेन है इसमें आपको वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं होगी तो आपने अपनी जो किचन बनानी है वो साउथ के भाग में साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक साउथ सेंटर तक आपकी अपनी किचन बनेगी और साउथ सेंटर से यहाँ पर आपकी अपनी एक गैलरी बनानी है और इसी में आपने एक बैक साइड में जाने के लिए डोर बनाना है ऐसे ही एक डोर आपका अपना यहाँ पर लगेगा आपने अपने यहाँ पर जो स्टोर बनाना है वो स्टोर आपने साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर स्टोर बनाना है और स्टोर की जो एंट्रेंस करनी है वो एंट्रेंस आपकी अपनी गैलरी से यहाँ से होगी आपने अपने यहाँ पर जो टॉयलेट बनानी है वो टॉयलेट आपने यहाँ पर आपने अपनी टॉयलेट बनानी है और टॉयलेट की जो एंट्रेंस है वो आपके अपने यहाँ से बनानी है आपने अपने यहाँ पर वॉशिंग एरिया कैसे बनाना है वो वॉशिंग एरिया आपका अपना आपने अपने यहाँ पर जो वॉश बेसिन लगाना है वो वॉश बेसिन आपका अपना यहाँ पर आपका अपना वॉश बेसिन आएगा आपने अपने यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर करनी है यहाँ पर आपके अपने टैप लग जाएंगे यहाँ पर आप अपना डिस्पेंसर लगाना चाहें तो डिस्पेंसर भी लगा सकते हैं और आर लगाना चाहें तो आप अपना आर भी यहाँ पर लगा सकते हैं आपने अपने यहाँ पर बर्तन धोने के लिए जो स्पेस बनाना है वो स्पेस आपका अपना अंदर बनेगा और उसकी जो अपनी एंट्रेंस है वो आपकी अपनी गैलरी से होगी यहाँ से आपकी अपनी एंट्रेंस होगी और इसी के बैक साइड में यहाँ पर आपका अपना सिंक आएगा आपने डिश वॉशर लगाना है तो डिश वॉशर भी आप अपना यहीं पर इसी जोन में लगा सकते हैं और जो आपने अपने यहाँ पर क्रॉकरी के लिए स्टोरेज करनी है वो स्टोरेज आप अपनी स्टोर की दीवार के साथ साउथ वॉल पर यहाँ पर आप अपना क्रॉकरी स्टोरेज कर सकते हैं जो आपका अपना स्टोर बनेगा ये आपका अपना स्टोर बनेगा और स्टोर के अंदर जो रैक लगाने हैं वो रैक आपके अपने साउथ वॉल पर और वेस्ट वॉल पर लगेंगे यहाँ पर आपका अपना सामान रखा जाएगा आपने अपने यहाँ पर एक डी फ्रिज लगाना है तो वो डी फ्रिज आपका अपना यहाँ पर आएगा ऐसे ही आपने डी फ्रिज और भी लगाने हैं तो डी फ्रिज आप अपना यहाँ पर रैक का एरिया कम करके यहाँ पर भी लगा सकते हैं और नीचे डी फ्रिज लगाकर ऊपर भी आप अपनी स्टोरेज कर सकते हैं इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर किचन का सेटअप कैसे करना चाहिए यहाँ पर आपके अपनी किचन बनेगी किचन में साउथ ईस्ट के कॉर्नर में यहाँ तो आपका अपना तंदूर आएगा और उसके बाद आपके अपने यहाँ पर आपके अपने बर्नर आएंगे एक लगाना है एक दो लगाने है दो और तीन लगाने तीन आपने अपने यहाँ पर डी फ्रिज लगाना है तो डी फ्रिज आपका अपना यहाँ पर आएगा आपने अपने यहाँ पर डी फ्रिज और भी लगाने हैं तो डी फ्रिज आप अपने यहाँ पर भी लगा सकते हैं ऐसे ही आपने अपना यहाँ पर एक सर्विस काउंटर बनाना है वो सर्विस काउंटर आपका अपना यहाँ पर बनेगा जिससे कि जो सामान आपका यहाँ पर तैयार होगा यहाँ पर आपके अपने कारीगर खड़े हो जाएंगे जो आपका सामान तैयार करेंगे सब्जियां वगैरह जो तैयार करेंगे रोटियां जो बनाएंगे वो कारीगर आपके अपने यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और जो सर्विस काउंटर पर खड़े होने वाले हैं वो व्यक्ति आपके अपने यहाँ पर आ जाएंगे किचन में अंदर जाने का जो रास्ता बनाना है वो रास्ता आपने अपना यहाँ से यहाँ से आपका अगरे 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 अपना किचन में अंदर जाने का रास्ता बनेगा यानी कि आपकी साउथ की दीवार कम्प्लीट यहाँ से पैक हो जाएगी एक एंट्रेंस आपकी यहाँ से बनेगी और दूसरी एंट्रेंस आपकी अपनी टॉयलेट की बनेगी अब टॉयलेट की यहाँ पर कॉर्नर में बन रही है तो इसके लिए आप यहाँ पर हल्का सा एक पार्टीशन लगाएंगे तो उससे आपके अपने एक टॉयलेट का पर्दा भी हो जाएगा आपने अपने यहाँ पर कस्टमर की सेटिंग किस प्रकार से करनी है जो आपके अपनी वेस्ट वॉल है वेस्ट वॉल पर आप यहाँ पर कंप्लीट सोफा लगाएं सोफे के ठीक सामने आपकी अपनी टेबल आ जाएगी जितना स्पेस आपके पास है उसके हिसाब से आपके यहां केबल्स की एडजस्टमेंट हो जाएगी यहां पर आपका अपना कस्टमर पैड से यह आपका अपना सोफे के ऊपर और यहाँ पर आपके अपनी चेयर्स आ जाएंगे ऐसे ही आपने अपने यहाँ पर बीच में जो टेबल्स लगानी है वो टेबल्स आपके अपनी जैसा स्पेस है उसके हिसाब से आपके अपनी टेबल्स आएंगी टेबल्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कस्टमर के आने जाने के लिए भी कोई दिक्कत ना हो इस तरीके से आप अपनी टेबल का सेटअप जरूर करें ऐसे ही आप अपने यहां पर इष्ट के भाग में यहां पर भी आप अपनी टेबल लगा सकते हैं इसी के साथ इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा आपने ध्यान रखना है जो आपकी अपनी ईस्ट वॉल है ईस्ट वॉल के साथ आपने सोफ़ा बिल्कुल भी नहीं लगाना है सोफ़ा लगाना है तो आप वेस्ट वॉल पर लगाएं ईस्ट वॉल पर आपने बिल्कुल भी सोफा नहीं लगाना है बीच में आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप बीच में भी सीटिंग कर सकते हैं आपने अपने यहाँ पर काउंटर कहाँ बनाना है आपका अपना जो काउंटर है वो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वोल्ड के साथ यहाँ पर आपका अपना काउंटर बनेगा और काउंटर के बैक साइड में एक हल्का सा पार्टीशन आ जाएगा क्योंकि पीछे आपके अपने कस्टमर की सीटिंग बनती है यहाँ पर आपका अपना कोई भी सामान डिस्प्ले के लिए लगाना है तो यह यहाँ पर आप अपना सामान डिस्प्ले के लिए लगा सकते हैं यहाँ पर आपके अपने ऑनर की सीटिंग होगी और यहाँ पर आपका अपना कस्टमर आकर बिलिंग करेगा आपने कैश ड्रॉ एक एस्ट्रोर तो आपने अपने राइट हैंड पे बनानी है जो कि वेस्ट की ओर ओपन होगी और एक, एक आपने यहां पर बनानी है जो कि ईस्ट की ओर ओपन होगी रूटीन में आपने ये क्रोर तो यूज करनी है जब आपके पास पैसे ज्यादा ज़य इकट्ठे हो जाए पैकेट बन जाए तो उसको आपने इस ग्रोर के अंदर रखना है आपने अपने यहां पर कोल्ड ड्रिंक फ्रिज लगाने तो एक लगाने तो एक लगाएं तो और तो 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 दो लगाने तो दो लगाएं आपने अपने यहां पर काउंटर के पास फ्रिज रखने हैं तो आप यहां पर इस टेबल को हटाकर यहाँ पर आप अपने कोल्ड ड्रिंक के लिए फ्रिज भी लगा सकते हैं और डी फ्रिज लगाना आइसक्रीम के लिए तो वो डी फ्रिज भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा आपका अपना रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चले उसके लिए आपको क्या करना चाहिए आप अपना नया रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं तो भी और आप अपने रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो भी आपने करना क्या है जो आपके अपनी किचन का एरिया है यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट कॉर्नर तक पूरा का पूरा फर्श तीन से चार इंच ऊंचा होना चाहिए जिस रेस्टोरेंट का साउथ का हिस्सा ऊंचा हो जाता है वो व्यक्ति कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करता है और ऐसे व्यक्ति हमेशा ही एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच और दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी ब्रांच खोलते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था जिस व्यक्ति ने अपना किचन का जो सेटअप है वो वेस्ट की दीवार पर साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए वे, नॉर्थ वेस्ट तक किया हुआ है वो व्यक्ति भी हमेशा परेशान रहता है और जिस व्यक्ति ने ईस्ट की दीवार के साथ किचन का सेटअप किया हुआ है वो किचन उसकी नॉर्थ ईस्ट से होती हुई ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक इस जोन में आ रही है वो व्यक्ति भी जरूरत से ज़्यादा परेशान मिलता है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना नया सेटअप बना रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने समझे विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपना सेटअप इस प्रकार से कर सकते हैं आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर इस प्रकार से बदलाव करके भरपूर लाभ उठा सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उनसे वीडियो भी बनवा सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप चेक कराना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना मैप चेक करवा सकते हैं और आप अपने किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से भी मैप बनवा सकते हैं ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल है पेड़ है मैंने अपने YouTube चैनल पर लगभग ढाई सौ वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी उन सभी वीडियो को देखकर अपने मतलब की कुछ ना कुछ खास जानकारी प्राप्त करके अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार जरूर हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में बांटा समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का कहते दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी YouTube पर जितनी भी वीडियो है वो सभी वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले जरूर मिले इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार